फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मेघा। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे सभी व्यूअर्स को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दिवाली का त्योहार है, खुशी से मनाइए, सेफली मनाइए। अब बढ़ते हैं आगे, आ गई है दिवाली और सबकी नजरें उम्मीदों के साथ बी टाउन की ओर देख रही हैं। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे उन स्टार कपल्स के बारे में जिनकी ये पहली दिवाली है। लेकिन वो कहते हैं ना, हर त्योहार हर किसी के लिए खुशियां लेकर आए जरूरी नहीं है। जहां एक तरफ दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा और कपिल शर्मा, गिन्नी चतुर्थ ऐसे सेलिब्रिटी हैं, नुसरत जहां, निखिल जैन जैसे कपल हैं जिनकी पहली दिवाली है और ये दिवाली काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ ड्रामा क्वीन राखी सावंत के ड्रामे दिवाली पर भी नहीं रुके और राखी सावंत दिवाली पर हो गई हैं बुरी तरह ट्रॉल। अपने इंस्टाग्राम वीडियोस को लेकर राखी हमेशा बवाल मचाती हैं, कॉन्ट्रोवर्सी से घिर जाती हैं। एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है, दिवाली पर भी राखी सावंत को चैन नहीं आया है और इस बार राखी क्यों हुई है ट्रॉल, अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। साथ ही उन सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, उन स्टार कपल्स की बात करते हैं जिनकी पहली दिवाली पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। देखिए जरा, ड्रामा क्वीन राखी सावंत हो रही हैं बुरी तरह से ट्रॉल। वेल, आपको बता दें, अगर आपने अब तक राखी की वीडियोस नहीं देखी हैं, उनके इंस्टा अकाउंट पर जाइए और तमाम वीडियोस देखिए। एक तरफ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज डूब चुके हैं दिवाली के जश्न में, दीपों के त्योहार को खुशहाल तरीके से मनाने की कोशिश करते हुए ये तमाम बी टाउन के सितारे नजर आ रहे हैं और वहां राखी सावंत आज के दिन भी अपने पति की तारीफें कर रही हैं, अपने पति की तारीफों के पुल बांध रही हैं और राखी सावंत की शादी पर लोग उठा रहे हैं सवाल। राखी हो गई हैं बुरी तरह से ट्रॉल। आपको बता दें, शादी के बाद राखी सावंत की ये पहली दिवाली है, मगर राखी के पति का कोई अता पता नहीं है। राखी सावंत के पति की कोई खोज खबर नहीं है। अब इस पर भला गुस्सा ना आए तो क्या आए, राखी के जितने भी चाहने वाले हैं वो कह रहे हैं अब तो पति के दर्शन कराओ, मगर राखी सावंत अपने पति को छोटे बच्चे की तरह छिपा रही हैं। दिवाली पर राखी ने एक और इमोशनल वीडियो शेयर कर दिया है। इस इमोशनल वीडियो में एक बार फिर से राखी को लेकर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बता दें आपको, राखी सावंत का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपनी शादी को लेकर उठ रहे सवालों से परेशान होती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो में राखी कह रही हैं उन्हें दुख हो रहा है कि उनके फैंस उनकी शादी पर यकीन नहीं कर रहे। राखी कह रही हैं, तकलीफ हो रही है मुझे कि लोग मेरी शादी के बारे में अच्छी अच्छी बातें नहीं बोल रहे। और वहां दूसरी तरफ देखिए जरा, राखी के इंस्टा अकाउंट पर लोग कमेंट्स कर करके कह रहे हैं, राखी अब तो पति को दिखाओ। राखी कह रही हैं, यही मेरा पति है भाई, पहली दिवाली बीत गई शादी के बाद, लेकिन राखी के पति का नाम और निशान दोनों ही नजर नहीं आया। अब जब राखी इतना ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करेंगी, ट्रॉल तो होंगी ही। खैर, आपको बता दें, दिवाली का त्योहार जब पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, राखी इस त्योहार पर ट्रॉल हो रही हैं, लेकिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में और भी कई जोड़े हैं जिनकी ये पहली दिवाली है और ये दिवाली बेहद खास होने वाली है। बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका और बाजीराव रणवीर, बीते साल नवंबर के महीने में इन दोनों ने शादी की और इस साल बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल के तौर पर हर त्योहार में इनकी झलक देखने को मिली। बता दें आपको, दीपिका और रणवीर सिंह की भी पहली दिवाली है। इनकी पहली दिवाली को लेकर खबर आ रही है कि खास तरीके से ये मनाने वाले हैं। अब प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की बात करें तो 1 दिसंबर 2018 में जोधपुर के शानदार पैलेस में अमेरिकन सिंगर निक जोनस के साथ प्रियंका चोपड़ा ने ग्रैंड शादी की। इस बार इनकी ये पहली दिवाली है जो काफी ज्यादा चकाचौंध से भरी होने वाली है। वजह जानते हैं क्यों? वजह ये कि पहला करवा चौथ जो था प्रियंका चोपड़ा का, उसमें भी निक जोनस ने काफी शानदार तरीके से प्रियंका को लेकर ट्वीट किया। हालांकि निक ट्रॉल हुए, मगर प्रियंका चोपड़ा के प्रति उन्होंने जो प्यार दिखाया वो हर जगह वायरल हुआ।
आगे बढ़ते हैं, तीसरे कपल के बारे में चर्चा करते हैं। ये तीसरा कपल है कपिल शर्मा और गिनी चतरथ। इनकी दिवाली और भी ज्यादा खास जानते हैं क्यों है? और भी ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि बीते साल इन दोनों ने दिसंबर के महीने में शादी की और इस साल दिसंबर के महीने में इनका बेबी होने वाला है। शादी के बाद प्रेग्नेंट गिनी के साथ कपिल की ये पहली दिवाली है जो काफी ज्यादा खास होने वाली है। अगला कपल जो है वो दरअसल नुसरत जहां है। बता दे आपको, नुसरत जहां जो है उनकी भी ये पहली दिवाली है और नुसरत जहां अपनी दिवाली को लेकर काफी ज्यादा लोगों के निशाने पर इसलिए हैं क्योंकि नुसरत इस्लाम से ताल्लुक रखती हैं मगर हर हिंदू त्योहार मनाती हैं। अब कहा जा रहा है कि नुसरत ये त्योहार अपने पति के साथ जो मनाएंगी, जो तस्वीरें शेयर करेंगी, उसे लेकर लोगों में अभी से गुस्सा देखने को आ रहा है। इस्लाम के ठेकेदार नुसरत जहां को लेकर कहते हैं कि ये गैर इस्लामिक काम करना छोड़ दो, मुस्लिम हो हिंदुओं के त्योहार मत बनाओ। तो ये त्योहार भी नुसरत धूमधाम के साथ मनाई है। अगला कपल जो है वो दरअसल पूजा बत्रा और नवाब शाह का है। 4 जुलाई को इन दोनों ने इसी साल शादी की, फैंस को चौंका दिया। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाली पूजा की ये पहली दिवाली है जिसे ये काफी ज्यादा धूमधाम के साथ सेलिब्रेट करने वाली है। तो देखा आपने, ये कुछ कपल थे बी टाउन के 6 कपल जिनकी ये पहली दिवाली है और इनकी पहली दिवाली अपने आप में काफी ज्यादा खास होने वाली है। तो देखा आपने किस तरह से राखी सावंत अगर ट्रॉल हो रही हैं, राखी को अगर लोग काफी ज्यादा मजाकिया अंदाज में ले रहे हैं, राखी अपनी वीडियोस को लेकर ट्रॉलर्स के निशाने पर हैं, वहीं ऑन द अदर हैंड कई ब्यूटीफुल कपल्स भी हैं बी टाउन के जिनकी पहली दिवाली है शादी के बाद की और ये दिवाली काफी ज्यादा खास होने वाली है। मूविंग ऑन टू अनदर अपडेट, यहां पर कपल्स की बात हो गई, अब जरा फैमिलीज पर आते हैं। बॉलीवुड में कई ऐसे प्रतिष्ठित परिवार हैं जो हर त्योहार को धूमधाम से मनाने में यकीन करते हैं। महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में आप जानते हैं, लेकिन बिग बी के अलावा कई और सितारे भी हैं, कई और नाम भी ऐसे हैं जो अपने घर पर दिवाली का धमाकेदार सेलिब्रेशन करते हैं और इनका सेलिब्रेशन हर जगह चर्चा बटोरता है। वो कौन सी फैमिलीज हैं जो आज ही के दिन सितारों की महफिल अपने घर पर सजा चुकी हैं? देखिए जरा। वेल, आपको बता दे, कुछ परिवार भी ऐसे हैं बी टाउन के जिनकी दिवाली पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जिनके दिवाली सेलिब्रेशन पर हर कोई अपनी नजरें गड़ा कर बैठा है। चलिए बताते हैं आपको ये कौन कौन है। सबसे पहले बिग बी की बात करते हैं। अमिताभ बच्चन हर साल एक ग्रैंड दिवाली बैश का आयोजन करते हैं। हालांकि बीते कुछ 2 सालों से पारिवारिक मुद्दों की वजह से दिवाली पार्टी नहीं हो पाई, लेकिन इस बार अपने हेल्थ इश्यूज फेस करने के बावजूद बिग बी के घर में दिवाली बैश रखा गया है। हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद महानायक अमिताभ बच्चन के घर पर दिवाली का धमाकेदार सेलिब्रेशन होने वाला है। अगला परिवार है शाहरुख खान का। बता दे आपको, शाहरुख और गौरी उन सेलिब्रिटीज में से एक है जो कभी भी दिवाली की मेजबानी करने से नहीं चूकते। बाकी फेस्टिवल्स की तरह शाहरुख का ये परिवार दिवाली भी काफी ज्यादा धूमधाम के साथ मनाता है और इनकी दिवाली पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। अगला परिवार है अनिल कपूर का। सदाबहार अनिल कपूर एक ऐसे स्टार हैं जो हर साल अपने घर पर दिवाली के दौरान शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और बॉलीवुड के कई दिग्गज इनमें शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं आपसे शिल्पा शेट्टी के बारे में। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हर साल अपने घर पर दिवाली का धमाकेदार सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि शिल्पा बीते कल ही हो गई है रवाना वेकेशन के लिए। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा इस बार वेकेशन पर हैं, अपनी फैमिली के साथ बाहर ही दिवाली सेलिब्रेट करेंगी। बॉम्बे में पार्टी करने का उनका कोई इस तरह का आइडिया नहीं है। करण जौहर अपने घर पर स्टार दिवाली पार्टी मनाते हैं जहां पर कुछ चुनिंदा क्लोज सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं और करण जौहर की दिवाली पार्टी पर सबकी नजरें टिकी होती हैं। अर्पिता शर्मा, अर्पिता के बारे में आपको बता दें, अर्पिता के घर पर बॉलीवुड के कई सितारे आते हैं और अपनी मौजूदगी से 4 चांद लगाते हैं दबंग सलमान खान। टीवी क्वीन एकता कपूर की दिवाली अक्सर शानदार होती है, और भी ज्यादा इस पार्टी को शानदार बनाते हैं टेलीटाउन के सेलिब्रिटीज जिन्हें एकता स्पेशली इन्वाइट करती हैं, घर पर बुलाती हैं।
फिल्मी दुनिया में दिवाली की धूम है, लेकिन जरा आप भी इस धूम के रंग में रंग जाइए, जश्न में डूब जाइए। दीपों का त्योहार है, दीप जलाते रहिए, अपनी और बाकियों की जिंदगी को रोशन करते रहिए। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। तमाम अपडेट्स के साथ हमारी मुलाकात आपसे होती रहेगी। टिल देन, टू नेवर मिस अ सिंगल अपडेट ऑफ योर फेवरेट सेलिब्रिटी, स्टे ट्यून्ड टू अस, सब्सक्राइब टू अस, स्टे अपडेटेड।